अस्सलामुअलैकुम। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, तो बारिश जो है वो हल्की हल्की हुई थी, जिसे हम बूंदाबांदी भी कहते हैं। तो अभी आज भी बारिश का मौसम हुआ है, तो आसमान पे हर तरफ बादल ही बादल हैं और थोड़ा अंधेरा सा हो गया। तो जो पहले बारिश हुई थी वो भी जो गंदम की फसल है उसके लिए बड़ी ही अच्छी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आज भी बारिश होने वाली है। आज मुझे लगता है कि तेज़ बारिश होगी, तो अगर एक घंटा या दो घंटे तेज़ बारिश हो जाती है तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होगी। जो गंदम की फसलें हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो अभी मैं आया था खेत के अंदर, तो मैंने सोचा कि बारिश का मौसम है, बिल्कुल आने ही वाली है बारिश, तो मैंने सोचा आपसे भी थोड़ी सी वीडियो मैं बाहर की शेयर कर लूँ। तो ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, आसमान पर बादल ही बादल है। तो साथ ही मैंने आज बच्चों के लिए एक स्पेशल छोटी सी रेसिपी थी वो मैंने बनाई थी बच्चों के लिए, तो वो भी आप वीडियो में देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो साथ में कुछ शॉर्ट्स आपको बाहर के भी दिखाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये खूबसूरती वीडियो पसंद आती है, अगर आपको वीडियो आती है पसंद, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं। किथे चलना पुत्र? नाचक। नाचक ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बच्चा दूसरे गांव का था, तो इससे मैंने पूछा कहाँ जा रहा हूँ। वो कह रहा है नाचक। नाजुचक नाम है वैसे गाँव का। ये देखें जी, ये है हमारा गाँव, और ये आसमान पे बादल ही बादल हैं। और अभी आसमान देखें जी, बादल ही बादल आसमान पे आपको नजर आएंगे हर तरफ। ये देखें जी माशाल्लाह से, तो अभी बारिश आनी भी शुरू हो गई है हल्की हल्की। तो टाइम इस वक्त है तकरीबन 6 बज रहे हैं। बारिश का मौसम है, बिल्कुल हल्की हल्की जो है वो बारिश शुरू हो गई है। तो मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ गुड़ और मूंगफली की टिक्कियाँ, और ये बड़ी मज़ेदार बनती हैं, बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। तो आइए देखते हैं ये छोटी और सिंपल सी रेसिपी कैसे बनाई जाती है। इसके लिए ये मैंने मूँगफली ली है, इसको मैंने निकाल लिया। सबसे पहले हम मूँगफली को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मूंगफली फ्राई हो गई है, मूंगफली को हम निकाल लेते हैं। अभी एक चम्मच हम देसी घी डालेंगे कढ़ाई के अंदर। जनाब हम गुड़ डाल देते हैं। जो गुड़ हमने लिया है ये ताज़ा गुड़ है, और ये हमारा घर का गुड़ है। आग जो है वो हल्की रखनी है। आग बिल्कुल हल्की रखनी है और चम्मच को चलाते रहना है।
अब इसमें हम मूंगफली शामिल कर लेते हैं। अभी ये बिल्कुल तैयार हो गया, अभी इसको हम नीचे उतार लेते हैं। अभी इसको हम निकाल लेते हैं और जिस भी चीज़ में आप निकालें उसके नीचे घी या ऑयल ज़रूर लगा लें। छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। Thank you.